नमस्कार दर्शकों, जन्म कुंडली अध्ययन के अंतर्गत आज मैं एक 27 वर्षीय युवती की जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। इनकी जन्म कुंडली का अध्ययन शुरू करूं उसके पहले मैं इनके बारे में, जो इनका बीता जीवन है उसके बारे में आपको बता दूं, तब आप इनकी कुंडली को समझ पाएंगे। हुआ ये कि आज से लगभग सन 2007 में इनका विवाह इनकी माता पिता ने करा दिया। सन 2015 भी चल रहा है, 2007 में ही इनकी शादी हो गई। गौर से समझिएगा, 27 वर्षीय युवती हैं ये। सन 2007 में इनकी शादी होती है। वर्तमान इनको दो बच्चे भी हैं, दो संतति भी है इनको। पति जिससे माता पिता ने विवाह किया था वो इंजीनियर थे। वैवाहिक जीवन इनका प्रारंभिक, जब से विवाह हुआ तब से लेके अब दर्शकों इनका डाइवोर्स का केस चल रहा है। वैवाहिक जीवन कभी संतुलित था ही नहीं। और मैं बार बार एक ही चीज कहता हूं, दाम्पत्यम प्रतिकूलम चेत नरकम किम गृहमेव तत्। अगर दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता न हो, प्रतिकूलता हो, पत्नी कुछ कहे पति ठीक उसके विपरीत, पति जो कहे पत्नी उसके ठीक विपरीत, तो नरक में नरक ढूंढने की आवश्यकता नहीं है, नरक वो घर ही है, ऐसा शास्त्र कहता है। तो वैवाहिक जीवन शुरू से ही कलहपूर्ण तनावपूर्ण था इनका। हालांकि इनका आत्मबल, जो कि आगे मैं आपको बताऊंगा, आगे आएगा इनकी परिस्थितियां, वैवाहिक जीवन तो समाप्त करके लगभग ही अपने घर में अपने माता पिता के साथ आ गई। वहां से फिर ये अकेले एक शहर में जाकर के निवास करना शुरू किया इन्होंने। और अपनी जिंदगी को चलाने के लिए इन्होंने कई सारे बिजनेस करने प्रारंभ किए और वो बिजनेस के लिए पिता ने सहयोग किया। बीते कुछ दिनों पूर्व तक ये ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करती थी और कर भी रही हैं। और भी कई सारा इन्होंने ऑफिस वगैरह ले रखा है जिसको ये किराए पर दे चला रही हैं, उसके पैसे से ये अपना कार्य करती हैं। बीते कुछ दिनों से इनके ऊपर कर्ज भी कुछ बड़ी मात्रा में हो गया है। दर्शकों, ऐसा हुआ क्यों? मैं इनकी कुंडली को जब देखूंगा, मैंने तो देख लिया है, आपको भी मैं दिखाता हूं। कुंडली में ग्रहों को जिम्मेवार तो मैं मान लूंगा, ये अच्छी बात है कि मैं ज्योतिष का अध्ययन करता हूं तो मैं ग्रहों को ही जिम्मेवार मानूंगा। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इनके ग्रहों के साथ साथ और इनके जैसी जो घटनाएं और घरों में हुई हों, उसके लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं माता पिता है। अगर लड़का या लड़की खुद से विवाह कर लेता है और उसके साथ ऐसी दुर्घटना घटित होती है तो ठीक है, अब उसके प्रारब्ध में जो था वो भुगत रहा है। लेकिन माँ बाप जब विवाह करते हैं और ऐसी दुर्घटना घटती है तो एक बात ही कही जाएगी कि माँ बाप तो बड़े थे, वो तो समझदार थे। एक इंजीनियर से जब इनके पिता ने शादी करी होगी, क्या एक अच्छा खासा दहेज नहीं दिया होगा? अवश्य दिया होगा। लेकिन उसी थोड़ी परिस्थितियों में अगर ये इनकी कुंडली का उनसे मिलान कर लेते अथवा इनकी कुंडली को समझ लेते तो ये दुखद स्थिति, जरा गौर कीजिए कि 27 वर्ष की युवती, मुझे नहीं लगता है कि अब इनको, जैसा कि इनकी कुंडली में आगे आएगा, अब इनको अपने जीवन काल में विवाह करना चाहिए। सोचिए कैसे अपना आप जीवन काटेगी। कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवारी मां बाप को जाती है। आप सभी लोग बहुत बड़े बड़े मनसूबे बनाते हैं, जितना हो सके अपने हैसियत से बढ़कर के देते हैं लड़के वाले को, लेकिन इतना नहीं कर पाते कि अपनी कुंडली का मिलान कर दें। कई बार लोग क्या मुझसे कहते हैं कि शास्त्री जी, लड़के वाले तो अपनी जन्म कुंडली देते नहीं हैं, आप दीजिए, आप ही दे दीजिए। अगर आपकी बच्ची, मान लीजिए जैसे कि इनकी कुंडली अभी मैं लाऊंगा आपके सामने, मांगलिक है नहीं मांगलिक है वो ही मिला ले जा करके, उनको अपने बच्चे की जिंदगी प्यारी नहीं है। मैं पूछता हूं कि आज इनकी जिंदगी खराब हुई, उस लड़के की भी जिंदगी कहीं ना कहीं तबाह रही होगी, कुछ तो कारण ऐसा हुआ होगा। तनावपूर्ण रहा, जो भी रहा, क्यों रहा? क्योंकि ग्रहों ने कराया,
लेकिन ग्रहों ने कराया, उसके लिए रास्ते तो हैं। अगर सब कुछ पूर्व निर्धारित हुआ है और चल रहा है तो फिर ये कुंडली क्यों? फिर तो हमें जैसा मिला है हमें उसे भुगतना चाहिए। ये ठीक है कि हम अपने भविष्य को बदल नहीं सकते हैं, ये तय है, मैं जानता हूं इस चीज को, लेकिन उसमें बहुत हद तक सुधार तो कर ही सकते हैं। उसमें बदलाव पूरी तरह न किया जा सके, बारिश को हम नहीं रोक सकते, छाता तो लगा ही सकते हैं। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्यों हुआ इनके साथ ऐसा। आप भी देखिए, अगर ऐसा कुछ है तो आगे जीवन में सतर्क होइए। मैं बीते कुछ दिन पहले कुंडलियों के अध्ययन के क्रम में कहा था चाणक्य की एक बात, कि चाणक्य ने कहा है कि अपनी जिंदगी के ऊपर परीक्षण करना छोड़ो, ये जिंदगी बहुत छोटी है, दूसरों की गलतियों से सीख लो, अपनी जिंदगी पर परीक्षण मत कीजिए, जो दूसरों ने कर दी गलती उससे ही सीख लीजिए। तो जो भी लोग आज ये कुंडली को देख रहे हैं कम से कम ऐसी गलती ना ही करें। आइए जन्म कुंडली का अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो दर्शकों, ये जैसा कि आप देख रहे हैं जन्म कुंडली आपके सम्मुख है, 10 नंबर से ये कुंडली प्रारंभ हो रही है। 10 नंबर का मतलब होता है मकर लग्न। मकर लग्न और लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है, वो भी उच्च का। लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे कुजाष्टमे कन्या भर्तु विनाशाय। लग्न में चतुर्थ स्थान में, सप्तम स्थान में, अष्टम स्थान में और द्वादश स्थान में अगर मंगल बैठा हो तो जातक जन्म लग्न से मांगलिक होता है। इनकी कुंडली में लग्न में ही उच्च का मंगल बैठा है, पूर्ण रूपेण ये जाति का मांगलिक है। कुछ ज्योतिषियों को मैंने कहते हुए सुना है दर्शकों कि बृहस्पति बैठ गए अगर उसमें कुंडली में कहीं केंद्र में तो मंगल दोष समाप्त हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा, जीवन में मिलने वाला हमेशा वैकल्पिक जो प्रश्न होता है, वैकल्पिक जो स्थिति होती है, हमेशा वो कमजोर पक्ष होता है। उस पर विश्वास करने से ज्यादा जरूरी है कि मूलभूत प्रथम स्थितियों को ही माना जाए। यानी ये लड़की पूर्ण रूपेण मांगलिक है, न कि उसका कहीं से कोई काट हो पाया है, ये पूर्ण रूपेण मांगलिक है जिसका फल सामने दिखाई पड़ रहा है। हालांकि लग्न में उच्च का मंगल, इसको ज्योतिष शास्त्र में रुचक नामक राजयोग कहते हैं और उस राजयोग का प्रभाव, इनके पास कई सारा ऑफिस फ्लैट वगैरह सब कुछ इन्होंने खरीद रखा है। कारण मंगल का लग्नस्थ होना, रुचक राजयोग होना, रुचक राजयोग में जन्मे जातकों के पास भूमि भवन वाहन की कमी नहीं होती। जरा गौर करिए, एक लड़की, दर्शकों ये बहुत समझने वाली कुंडली है और इसको जानने की आवश्यकता है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करना अच्छे अच्छे पुरुषों के लिए भी उसमें हालत खराब हो जाती होगी उनकी, लेकिन एक लड़की कैसे कर पाती होगी ऐसा, उसका भी कारण है ग्रह योग। आइए देखते हैं इनकी कुंडली में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ है, आप देखिए सूर्य, गुरु और बुध 3-3 ग्रह बैठे हैं। सूर्य वहां पर उच्च, लग्न में मंगल उच्च, सुख स्थान में सूर्य उच्च जिसकी दृष्टि पड़ रही है यहां पर 7 नंबर पर कर्म स्थान पर। तो इनके अंदर कॉन्फिडेंस तो इतना जबरदस्त है कि इनको अगर अकेले भी अब आगे की जिंदगी व्यतीत करनी हो तो ये व्यतीत कर लेंगी, इनको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पुरुषत्व गुणों से संपन्न है ये योग। जब आपकी कुंडली में सूर्य भी इतना बलवान, मंगल भी इतना बलवान, तो कॉन्फिडेंस चरम पर होता है, आत्मविश्वास चरम पर होता है। ऐसा व्यक्ति जिस चीज के मामले में, जिस चीज में दृढ़ प्रतिज्ञ हो जाए, कदम बढ़ा दे, वो पीछे नहीं हटाता। अब आगे देखिए, गुरु और चंद्रमा आमने सामने, इसको कहते हैं गज केसरी योग, यानी राजयोग इनकी कुंडली में बहुत है, राजयोगों की कोई कमी नहीं है। अब यहां पर 5वें स्थान में जहां पर 2 नंबर लिखा है वहां पर शुक्र स्वगृही और लग्नेश चले आए हैं 2वें स्थान में। तो जातिका जहां जन्मी है वहां से जब दूर आ गई तो अब सफल यह रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं। अब वैवाहिक जीवन क्यों खराब हुआ, आइए सबसे पहले उसके बारे में आपको बता देता हूं। पहले तो यह पूर्ण रूपेण मांगलिक थी, नंबर 1। नंबर 2, वैवाहिक जीवन टूटने का सबसे बड़ा कारण आइए मैं दिखाता हूं आपको। जहां इस कुंडली में 4 नंबर लिखा है दर्शकों, वो कुंडली का 7वां स्थान पुरुष सुख का घर है,
और उस भाव का मालिक चंद्रमा शत्रुगृही, जहां ये सात नंबर आप देख रहे हैं, सात नंबर में चंद्रमा बैठा हुआ है। सात नंबर का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि शुक्र का घर और शुक्र के घर में बैठा हुआ चंद्रमा शत्रु भावस्थ माना जाता है। और उससे भी बड़ा दुर्योग क्या हुआ, चंद्रमा के देखिए एक तरफ यानी आगे आठ नंबर में कोई ग्रह नहीं, पीछे छह नंबर में कोई ग्रह नहीं। ज्योतिष शास्त्र का महासत्यानाशी दुर्योग के मध्रुम योग पाकर के जातक खो देता है, जीवन में सब कुछ पाकर के गंवा देता है। तो वैवाहिक जीवन तो इनको मिला, पति सुख तो प्राप्त हुआ, पर उसको इन्होंने गंवा दिया। क्यों? क्योंकि सप्तमेश पहले तो चंद्रमा और चंद्रमा केमद्रुम योग से ग्रसित, तो वैवाहिक जीवन मिला इनको लेकिन वो लगभग पाकर के भी इन्होंने उसको गंवा दिया। अब आगे देखिए, वर्तमान पिछले साढ़े पांच साल हो गए लगभग, इनको साढ़े साती भी चल रही है, क्योंकि ये तुला राशि जहां सात नंबर में आप चंद्रमा देख रहे हैं, सात नंबर का मतलब तुला राशि, तुला राशि की हुई तो साढ़े साती भी चल रही है। विवाह भी इन्हीं समयों में हुई या इनकी विवाह उसके बाद वो टूट गया, क्योंकि साढ़े साती का भी प्रभाव, और साढ़े साती मैं कई बार पहले आपको बता चुका हूं कि चंद्रमा को लगती है, शनि की ढैया या शनि की साढ़े साती किसी व्यक्ति को नहीं, राशि को लगती है। राशि किससे पता चलता है? चंद्रमा से। तो चंद्रमा को लग गई साढ़े साती, चंद्रमा हुआ सप्तमेश, सप्तमेश को साढ़े साती लगने से और वो केमद्रुम योग से ग्रसित, वैवाहिक जीवन टूट गया। डाइवोर्स का केस जैसा कि चल रहा है, इनकी कुंडली में सूर्य भी उच्च का, मंगल भी उच्च का, इनको उसमें जीत मिल जाएगी, वो सब कुछ ठीक हो जाएगा, उस विषय को लेकर के कहीं कोई समस्या नहीं है। परंतु इनका जैसा कि कहना है कि मैं वर्तमान कुछ समय से कर्ज में चल रही हूं, तो मंगल आपकी कुंडली में उच्च का है, लग्नस्थ है, और रोग रिपुरिण जो ये कुंडली का तीसरा नंबर जहां पर छठा घर है, जहां तीन नंबर लिखा है, वह उसका मालिक बुध भी अच्छी स्थिति में है। सो आप निश्चिंत रहिए कि ऋण में बहुत लंबे दिनों तक आपको नहीं रहना है। ट्रांसपोर्ट का बिजनेस ये दर्शकों कर रही है, जरा गौर कीजिए, ट्रांसपोर्ट यानी वाहन, इसका कारक कौन है? शनि कहां बैठा है? तो इनकी कुंडली में बृहस्पति के घर में वक्री होकर के बैठा है, यानी जहां पर इस कुंडली में नौ नंबर लिखा है, द्वादश स्थान, द्वादश स्थान में शनि बैठे हुए हैं वक्री होकर के। शनि द्वादश स्थान में अच्छे माने जाते हैं, उनकी दृष्टि भाग्य स्थान पर, उनकी दसवीं दृष्टि भाग्य स्थान पर पड़ रही है। तो ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में लाभ तो होगा, पर व्यय की अधिकता इतनी ज्यादा बनी रहेगी कि आपको सेविंग करने में बहुत दिक्कत आएगा, पैसे आपके पास आएंगे और चले जाएंगे, टिकेंगे नहीं, क्योंकि शनि जहां बैठते हैं उस जगह की वृद्धि कर देते हैं। तो इनकी कुंडली में कहां पर बैठे हैं? तो कर्ज स्थान में, माफ करिएगा, व्यय स्थान में, और व्यय स्थान की वृद्धि कर देने के चलते इनके पास आय तो होगी पर वो पैसे टिकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, और साथ ही साथ शत्रु चाहे इनका पति बने या कोई भी बने, वो नहीं जीत पाएगा, क्योंकि शनि खुद देख रहे हैं छठे घर को, तो इनके शत्रुओं का नाश सरलता से हो जाएगा, उसमें तो रत्ती मात्र संशय नहीं है। साढ़े साती के प्रभाव में है, जो निश्चित रूप से इनको परेशान करेगा, कष्ट देगा। लेकिन इसके अलावा इनकी कुंडली में एक जो दूसरी समस्या है वो है केमद्रुम योग। बाद अगर देखा जाए तो अब एक सवाल और, इनके कुंडली में एक स्थिति और, इनको कुटुंब सुख भी नहीं मिलने वाला था, कैसे वो देखिए। कुंडली का ये जो द्वितीय स्थान है जहां 11 नंबर लिखा है राहु बैठा हुआ है, वही है कुंडली का द्वितीय स्थान, कुटुंब स्थान। कुटुंब स्थान में राहु का बैठना और शनि की तीसरी पूर्ण दृष्टि कुटुंब स्थान पर पड़ने के चलते, जरा गौर से देखिएगा, ये समझने का विषय है। मैं पहले ही बता आया हूं कि शनि जहां देखते हैं उस जगह को तबाह कर देते हैं। ये जो नौ नंबर में आप देख रहे हैं शनि, इनकी तीसरी पूर्ण दृष्टि पड़ रही है कहां पर? तो 11 नंबर, उन्हीं का घर है और वहीं पर राहु बैठे हैं, उन्हीं की छाया। लेकिन ये दोनों के दोनों पापक ग्रहों की स्थिति और दृष्टि इनके कुटुंब सुख को ही समाप्त कर दी, यानी कि वैवाहिक जीवन तो इनको मिला परंतु घर परिवार का जो सुख होना चाहिए, जो इनको मिलना चाहिए, वो नहीं रहा। अब तो ये अकेले रहती हैं अपने दो बच्चों के साथ। करना क्या चाहिए, निष्कर्ष क्या निकलता है इस कुंडली का? सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको जीवन पर्यंत भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि एक पारद शिवलिंग अथवा स्फटिक का शिवलिंग अपने घर में रखिए,
और नित्य उनकी आराधना करिए। सोमवार के सोमवार उस पर दूध, काला तिल और जल मिलाकर के रुद्राभिषेक खुद से कीजिए। ये अति आवश्यक है आपके लिए। केमद्रुम योग की शांति अगर बचपन में हो गई होती तो कम से कम इतना ज्यादा कष्ट नहीं होता, लेकिन अभी भी केमद्रुम योग की शांति करवाइए, उसका कवच बना करके गले में धारण करवाइए। 2017 तक अभी साढ़े साती आपको चल रही है और जब तक साढ़े साती का दौर है परेशानी कमोबेश लगी रहेगी। तो जब तक साढ़े साती है हनुमान जी की आराधना करिए, क्योंकि मैं पहले ही कहा हूं कि साढ़े साती में चंद्रमा विकृत होता है और चंद्रमा ही कौन है, मन। इनकी आपकी कुंडली में व्यापार के घर का मालिक है और उसको लगी है साढ़े साती। तो अगर आप पूजा पाठ पर ध्यान न दें, और ध्यान आपको यह भी रखना है कि इधर कोई बहुत बड़ा कदम न उठाएं, क्योंकि व्यापार हाउस का मालिक साढ़े साती से ग्रसित होने के चलते, तबाह होने के चलते अगर आपने शुरू किया तो उसमें परेशानी आएगी। तो अभी तो आपको सबसे पहला काम करना यह है कि धैर्य रखना है, चिंतन कीजिए, आत्ममंथन कीजिए। जीवन में जो बीत गई अब उसको तो छोड़ दीजिए। पिता अब अभी भी आपके सहयोगी हैं, उनके सहयोग से ही आपने बहुत कुछ किया, लेकिन अब जब आप अपने बल पर हैं और कुंडली है भी आपकी इतनी जबरदस्त, इतने सारे राजयोग, इतने जबरदस्त योग, अगर आप बेहतर पढ़ाई, आपके माँ बाप ने इस कुंडली को समझ करके कोई बेहतर पढ़ाई आपकी कराई होती तो आप, मेरा दावा है कि उच्च कोटि का कोई गजेटेड अधिकारी आप होती। खैर जो बीत गई अब उसके लिए तो क्या कर सकते हैं, लेकिन आगे आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से अपने पक्ष में करिए और वो आप कर सकती हैं। जो मैंने चंद छोटे छोटे उपाय बताए हैं आपको, उसका अनुसरण कीजिए, उसका लाभ उठाइए। देखिए जिंदगी में आने वाली जितनी भी समस्याएं हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी।